नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धमसनवार। वैसे तो प्यार को व्यक्त करने के लिए कोई एक निश्चित तिथि या दिन नहीं होता, और लोग फिर भी इस दिन का इंतजार करते हैं क्योंकि यह संत वैलेंटाइन डे के नाम से प्रसिद्ध है और तरह तरह से मनाते हैं हम। जैसे 7 फरवरी बुधवार के दिन रोज़ डे है, आप एक लाल गुलाब पेश करके बताएं कि आप कितना प्यार करते हैं अपने लव्स। और 8 फरवरी के दिन है प्रपोज डे, आप इस दिन कितना प्यार करते हैं अपने लव से। आप ये प्रपोज करने के अच्छे तरीके ढूंढें और उन्हें प्रपोज जरूर करें, अपने प्यार को दिखाएं आप कितना प्यार करते हैं। और 9 फरवरी को है चॉकलेट डे, अपने पसंदीदा चॉकलेट के साथ अपने प्यार को प्रभावित करें और यह चॉकलेट थेरेपी अपना असर दिखाएगी और रिश्ते में चमत्कार कर सकता है। इस दिन को एंजॉय करना मत भूलिएगा। और 10 फरवरी को है टेडी डे, आप जब अपने पार्टनर के पास नहीं रहेंगे, कहीं दूर आप जा रहे हैं उनसे, तो ऐसे में आप उनके यादगार तोहफे के रूप में अपने पास रख सकती हैं ताकि उनकी याद आती रहे। 11 फरवरी को है प्रॉमिस डे, इस दिन आप इस प्यारे से बंधन में बंधने के लिए प्रॉमिस कर सकती हैं या कर सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे प्यार के साथ। हग डे आप अपने लव को गले लगा सकते हैं और झगड़े खत्म कर सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ भी इस दिन जश्न मनाएं, बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। किस डे के दिन आप एक किस देकर अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन को दो प्यार करने वाले साथ में मनाते हैं। दो प्यार करने वाले इस दिन को बहुत अच्छे से मनाते हैं, साथ रहते हैं, घूमते फिरते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसके बाद आता है स्लिप डे, गुरुवार 15 फरवरी को मनाया जाएगा। किक डे शुक्रवार 16 फरवरी को मनाया जाएगा। और 17 फरवरी को परफ्यूम डे, साथ ही फ्लड डे मनाते हैं 18 फरवरी को। और 19 फरवरी को कन्फेशन डे, और मंगलवार 20 फरवरी के दिन मिसिंग डे, बुधवार 21 फरवरी ब्रेकअप डे। इन तमाम डे को काफी अपना अलग महत्व है आपके लाइफ में, ये बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छा से एंजॉय कीजिए इस डे को। हैप्पी वैलेंटाइन डे, फिर मिलेंगे।